के इस मनुष्य सृष्टि में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, चारों सीन में या कोई एक सीन में या कम या ज्यादा, तो वो सब पार्टधारी आत्माएं बिंदु हैं, और उन बिंदु का बाप भी बिंदु, चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा डबल डील वाला, सांप का बाप सांप जैसा लंबा लंबा। तो आत्मा बिंदु है तो बिंदु आत्मा का बाप भी बिंदु जैसा। ओ माताओं में भक्ति भावना ज्यादा होती है, खास करके भारत की माताओं में, तो वो परंपरा प्राचीन काल से चल गई, ऋषियों मुनियों ने बनाई दी, या जो गीता में लिखा हुआ है ब्रभोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, ब्रकुटी के बीच में आत्मा को याद करो, प्राणी को याद करो। तो जो परंपरा डाल दी कि ब्रकुटी के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा रहती है, तो माताएं तो पक्की हैं आज तक भी, क्या करती है, है? ब्रकुटी में बिंदु लगाती। अभी तो विदेशियों का प्रभाव पड़ गया है, तो खान पान रहन सहन सब कुछ बदल गया भारतवासियों, क्योंकि भारतवासी कन्वर्ट भी तो जल्दी होते हैं संघ के रंग में। तो अभी तो कोई कोई तो अभी भी लगाती है, लगाती ही नहीं, देखा है दुनिया में, खास करके भारत में कोई कोई माताएं आज भी बिंदी लगाती है, पता नहीं है, इसलिए बड़ा बिंदा भी लगा लेती है। तो बाप आके बताते हैं, बच्चे तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो दूसरा कोई तुम्हें देखे तो उसे तुम्हारी भ्रकुटी में बिंदु याद पड़े, तो अच्छा ही है ना। तो डायरेक्शन दे दिया कि छोटा सा स्टार सफेद वाला बिंदी लगानी चाहिए। भले बाप ने बोल दिया, सुप्रीम सोल ने बोल दिया, तो अभी भाई लोग लगाते हैं कि माताएं लगाती है? माताएं लगाती हैं, भाई लोग नहीं मानने वाले, लफड़ेबाजी।